नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा एक बार फिर से आप सभी का एमबीए यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम में स्वागत करना चाहता हूं। आज का जो हमारा मुद्दा है, एक्चुअली आज ये जो हमारा 16 से और 22 तारीख जो होती है नवंबर की, इसमें हम नेशनल फार्मासिस्ट वीक सेलिब्रेट करते हैं। तो नेशनल फार्मासिस्ट वीक जो है ये 59th है, मतलब 59th बार अब इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये सिर्फ इंडिया में ही मनाया जाता है, जो कि आपके नवंबर में 16 to 22 नवंबर तक मनाया जाता है। तो आज का जो थीम रही है यहाँ की, वो है आपकी फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो फार्मासिस्ट की भी कुछ ना कुछ ऐसी वो बनती है कि लोगों को इस बारे में सोशलाइज कराया जाए, कि लोगों को बताया जाए, उनको जागरूक कराया जाए कि कैसे हम लोग मतलब फार्मासिस्ट हो गए और भी जितने भी हेल्थ मेडिसिनल प्रोफेशनल्स हो गए, वो लोगों को कैसे जागरूक कर सके कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सके। तो आज हमारे साथ डॉक्टर तरुण विरमानी जी मौजूद हैं, जो खुद में अपने आप में ही एक पर्सनैलिटी है, जो लोगों को हमेशा से ही इस ऐसे टॉपिक्स में, हेल्थ कैंप्स में, बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स में लोगों को जागरूक करते आए हैं। तो ये हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि जो हमारी अनयूज्ड जो ड्रग्स होती हैं, उनका क्या क्या हमारे मतलब क्या क्या उसकी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें छोड़नी चाहिए, नेग्लेक्ट करनी चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमको उनमें ध्यान देना चाहिए। तो एक फार्मासिस्ट का अनयूज मेडिसिन में और एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है उनको डिस्पोज करने में क्या रोल होता है, कैसे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज हमको बताएंगे डॉक्टर तरुण विरमानी जी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया यहाँ पे और लोगों के सामने आप इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अनयूज मेडिसिन जो है, तो कैसे एक फार्मासिस्ट का रोल बनता है कि लोगों को अवेयर करें और इन सब के बारे में लोगों को बताया जाए कि क्यों ये जो हमारा डे मनाया जा रहा है, क्या उसका मतलब किस तरीके से हम सोसाइटी को कुछ अवेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अश्विनी सर। अश्विनी सर, आज जो हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा बहुत गंभीर है अगर देखा जाए, क्योंकि हम सब लोग इन सब चीजों के बारे में सुनते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते, और अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे इन सब चीजों पे तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक चीज हो सकती है, जिसको शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे कि आपने बताया कि अनयूज्ड और एक्सपायर मेडिसिन का हमारे घरों में आजकल इकट्ठा करने का एक प्रचलन हो गया है, और ये प्रचलन शायद हम आम लोग जान भी नहीं पा रहे हैं कि इससे आने वाले फ्यूचर में क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो आज नेशनल फार्मेसी वीक की सबसे पहले मैं आप सब जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और जितने भी हमारे बेसिकली श्रोता हैं जो हमें सुन पा रहे हैं, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। और इसी के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि हमारे घर में आप सब लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में दिवाली की जो छुट्टियां अभी आप सब लोगों ने बिताई हैं, लेकिन उसी दिवाली की छुट्टियों में आप लोगों ने अपने घर की साफ सफाई भी की थी, और उस साफ सफाई में आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस अनयूज्ड और एक्सपायर मेडिसिन को घर से जरूर फेंका होगा, बिना इसके जाने कि ये क्या दुष्प्रभाव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या क्या हमारे घर में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अनयूज्ड और एक्सपायर मेडिसिन इकट्ठे क्यों होती है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम नहीं सोचते। हम सेकेंड पार्ट के बारे में सोच रहे हैं कि अनयूज्ड और एक्सपायर मेडिसिन इकट्ठी होने के बाद जब उसे थ्रो करेंगे तो क्या नुकसान करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है, एक पुरानी कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर हम उस प्रिवेंशन को देखेंगे तो शायद हमें इस वाले समाधान तक नहीं पहुंचना पड़ेगा। और आज मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज भी बताऊंगा कि क्या गवर्नमेंट को अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए और गवर्नमेंट को फार्मास्यूटिकल कंपनीज का सपोर्ट चाहिए, तो इससे शायद हम इस समाधान का, इस बेसिकली प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, कि हमारा जो अनयूज मेडिसिन है घर में इकट्ठा होने का कारण, सब लोग जानते हैं कि हमारे घर में जब भी शिफ्टिंग होगी तो शिफ्टिंग में हम अमूमन भूल जाते हैं कि सारी की सारी मेडिसिन पुरानी घर पे पड़ी हुई है, तो उसको वहीं के वहीं फेंक के चले जाते हैं, तो वहां पे पीछे जो भी उस मकान में वापस आएगा तो वो जितना भी वहां पे गंदा सामान पड़ा होगा वो उसको फेंक देगा, बिना जाने कि इसके अंदर मेडिसिन है या इसके अंदर और कोई कचरा है, तो मेडिसिन ऐसे ही चली जाती है। सेकेंड, अगर मैं बात करता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हम सब लोग बेसिकली अवेयर नहीं है, क्योंकि अगर एक आम पब्लिक से हम पूछें, अगर सर्वे कराया, हमने एक सर्वे कंडक्ट कराया था, उसमें पूछा था कि आप लोगों को क्या लगता है ये जो आपके घर पे अनयूज्ड और बेसिकली एक्सपायर मेडिसिन इकट्ठी हो रही है, इससे कोई नुकसान हो सकता है किसी को, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनके माइंड में ऐसा कुछ था ही नहीं। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है, हर चीज में एक्सपेरिमेंट करने की सोचता है, और वही अगर उसको खा लेगा तो वो बच्चे के साथ क्या होने वाला है। सेकंड, अभी इंडिया के अंदर एक और ट्रेंड है, ट्रेंड क्या है,
मतलब हम स्टेटस सिंबल समझते हैं बेसिकली। हमें जरूरत है मेडिसिन की एक, सपोज करो ओटीसी मेडिसिन, सबसे ज्यादा अगर मैं घर पे कहूं इकट्ठे होने वाली मेडिसिन में अगर कोई मेडिसिन है तो वो ओटीसी मेडिसिन है। पैरासिटामोल, डिस्प्रिन, क्रोसिन, ये आपको सबसे ज्यादा घर पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कफ सिरप आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम उसका कर क्या रहे हैं? कफ सिरप हमारी 50 ml की कंजप्शन होती है, 100 ml का कफ सिरप लेके आते हैं, 50 ml पड़ा रह जाता है और बाद में उसे नालियों में डाला जाता है। इसके अलावा टैबलेट है, डस्टबिन में जा रही है, क्यों? क्योंकि उसका यूज ही नहीं है, या फिर हमें उस टैबलेट से आराम नहीं मिला, हमने दूसरी मेडिसिन खरीदी। क्या थी? सिर्फ एनएसएड्स थी। जितने भी हमारे फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होती हैं, कि आपको जब भी पेन होता है या फिर आपको जब भी फीवर होता है तो या फिर आपको इंफ्लामेशन होती है तो उससे रिलीफ देने के लिए आप एनएसएड्स यूज करते हैं। तो उसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि मैंने पैरासिटामोल की बात की, मैंने एस्प्रिन की बात की, डिक्लोफेनेक की बात करूंगा, या फिर अनगिनत ऐसे जितने भी एग्जांपल्स हैं, आइबुप्रोफेन की बात करूंगा। तो क्या है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहली चीज जो पेशेंट बहुत गलत काम करता है वो सेल्फ मेडिकेशन करने लग जाता है। अगर मैं सेल्फ मेडिकेशन के बारे में बोलने लगूंगा तो भी शायद मेरे पास आज का सेशन शायद खत्म हो जाएगा और सेल्फ मेडिकेशन में हम शायद दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि हमारी जो डिपेंडेंसी है मेडिसिन के ऊपर, देखिए मैं फार्मासिस्ट खुद हूं, लेकिन मैं आप सब लोगों को सिर्फ एक ही सलाह देना चाहूंगा, अननेसेसरी आप लोगों को मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। हर एक मेडिसिन का अपना एक साइड इफेक्ट होता है और उस साइड इफेक्ट से आप लोगों को बचना है। वो कैसे बचेंगे? क्योंकि बॉडी की जो अपनी इम्यून सिस्टम है उसको भी तो कुछ काम कर लेने दीजिए। हम क्या करते हैं, तुरंत सिर में दर्द हुआ तुरंत दवाई ले लेते हैं, तुरंत बुखार हुआ तुरंत दवाई ले ली, तुरंत हमें खांसी हुई तुरंत दवाई ले ली। तो हम क्या कर रहे हैं, बॉडी का जो सिस्टम है उसको कमजोर बना रहे हैं। और बॉडी का सिस्टम अगर कमजोर बनेगा तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या क्या दिक्कतें होने होंगी। तो अभी मैं एक एक करके सारी की सारी चीजें डिस्कस करता हूं। जैसे सपोज करो घर के अंदर अनयूज मेडिसिन क्यों इकट्ठी हुई, डॉक्टर ने एक दवाई लिखी, उस दवाई का कोई साइड इफेक्ट आ गया, आप 100% मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप उस दवाई को फिर यूज नहीं करने वाले। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे इस दवाई का साइड इफेक्ट आ गया है और आप दूसरी दवाई लिख दीजिए, डॉक्टर भी नहीं कहता कि वो जो दवाई है फार्मासिस्ट को आप वापस कर दीजिए, आपके घर पे वो इकट्ठी रह जाती है, एक रीजन। सेकंड रीजन, आपको जैसे मैं बात करता हूं डायबिटीज की, सपोज करो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज किसको होगी, छोटे बच्चों को होगी, इंसुलिन लेनी पड़ेगी उसको। अब वो जो उसका पेन है, नो डाउट आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस आ गई है, लेकिन छोटा बच्चा मेडिसिन से बचने की कोशिश करता ही करता है, और जब अगर उसको हम इंसुलिन देंगे उसको वो जो पेन हो रहा है, वो जो निडल उसके अंदर इंसर्ट की जाएगी वो उसको टॉलरेट नहीं करेगा, और इसके चक्कर में एक आध स्किप करने की कोशिश करता है। जब वो स्किप करेगा तो हमारे घर पे तो जो बॉक्स है वो इकट्ठे होने चालू हो जाएंगे। थर्ड, अभी हमारे पास इंडिया में दो ऐसे डिसीज है जो शायद अगर मैं बात करता हूं बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, एक है डायबिटीज और दूसरी हाइपरटेंशन, और इसमें भी अलग अलग एक्सपर्ट मिल जाते हैं। हम दवाई तो लेके आते हैं डॉक्टर से, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस में कहूंगा या ओवर कॉन्फिडेंस कहूंगा, कि इसके लिए आप दवाई की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि हम एक दो दिन खाकर देखते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जो बीमारी हुई है काफी लंबे टाइम के बाद हुई है, एक दिन में हमें बीमारी नहीं हुई डायबिटीज, ना एक दिन में हमें हाइपरटेंशन हुई है, लेकिन हम चाहते हैं मिरेकल हो जाए, कोई एक दिन के अंदर हमारी बीमारी ठीक हो जाए, वो पॉसिबल नहीं होता। हम एक दिन दवाई खाएंगे, दो दिन दवाई खाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं सुबह शाम योगा करूंगा, ये करूंगा। लेकिन योगा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली जो मेन जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं, घर के अंदर आपने मेडिसिन को इकट्ठा करना चालू कर दिया। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, आज के टाइम में हम सब लोग बिजी हैं, शायद हमसे ज्यादा, मतलब आप किसी भी इंसान से मिल लीजिए, आजकल आपने देखा है एक दूसरे से मिलना जुलना भी बहुत कम हो गया है। उसका क्या कारण है, हमारा जो लाइफस्टाइल है और जो हमारे बेसिकली इवेंट्स हैं जिस हिसाब से हम जिंदगी जी रहे हैं, वो हमें इन सारी चीजों को स्किप कराने में हेल्प कर रहा है। हम सुबह ऑफिस गए जल्दी 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 में, भाग दौड़ी में सारा काम होता है, सुबह की अगर हमें दवाई लेनी है तो हम भूल जाते हैं, दोपहर की हमें दवाई लेनी है, कई बार दोपहर की स्किप हो जाती है, ऑफिस में बहुत काम रहता है जिसके चक्कर में हमको याद नहीं रहता। और सेम ऐसा ही हो सकता है कि एक आध कोई मेडिसिन होती है जो हम टाइम से ले लेते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम एक या दो स्किप जरूर हो जाती है। नेक्स्ट रीजन है जब हमारा लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है। आपने देखा होगा कि जनरली जब हमें फीवर होगा तो हमारी जो मेडिसिन है वो जल्दी खत्म हो जाती है, मतलब टाइम से पूरी की पूरी खत्म हो जाएंगी। लेकिन सपोज करो किसी को अगर एपिलेप्सी है, कैंसर है, तो ऐसे में बड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलता है और डॉक्टर भी उसको रीफिलिंग के लिए फिर से बुलाता है। तो एक महीने की अगर दवाई है, एक महीने की मैं गारंटी ले सकता हूं, या जितने भी लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये जो मेरी वीडियो यहां पे हम जो बना रहे हैं, इस वीडियो का जो मेन मकसद है
वो सिर्फ आम लोगों को जागरूक करना है ताकि आप सब लोगों को पता लग सके कि इन अनयूज मेडिसिन को इकट्ठा घर में अगर हमने होने दिया तो उससे क्या क्या नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लॉन्ग ट्रीटमेंट जब चलेगा तो लॉन्ग ट्रीटमेंट में हम लोग इसको क्या करते हैं कि कई बार एक दिन की जो मेडिसिन होती है या एक शिफ्ट की जो मेडिसिन होती है वो स्किप हो जाती है, और वो जब स्किप हो जाएगी तो फिर अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा, हमें होने वाला है। किस वे में हमें फाइनेंशियल वे में नुकसान होगा, सेकेंड हम जो घर पे इकट्ठा कर रहे हैं अनयूज और एक्सपायर मेडिसिन उससे नेचर को क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं आता हूं कि घर के अंदर कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिससे हम काफी इन्फ्लुएंस होते हैं, हम मेडिसिन लेके आ गए लेकिन सामने वाले ने बोला हमसे कि टेंशन मत ले, ये दवाई किसी और मकसद के लिए है, या ये दवाई मैं तुम्हें बताता हूं कि ये अगर दवाई आप ले लोगे तो इससे आप जल्दी ठीक हो जाओ, तो ठीक है उसने वो अपनी दवाई रिकमेंड की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर में जो पड़ी उस दवाई का आपने क्या किया, वो दवाई फिर से एक डब्बे के अंदर आपका जो फर्स्ट एड बॉक्स बना होगा उसके अंदर विश्राम करेगी, तो अल्टीमेटली फिर से आपने घर में दवाइयां एक्युमुलेट करनी चालू कर दी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर कई बार एक ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाती है जैसे कि मेंटल इलनेस, हम एक बेसिकली ऐसे स्ट्रेस से गुजरते हैं जहां पे हमें ना तो खाना अच्छा लगता है ना पीना अच्छा लगता है, ऑब्वियस बात है तो फिर दवाई कहां से अच्छी लगेगी। तो अधिकतर एंटी डिप्रेसेंट जब भी लोग मेडिसिन लेते हैं तो ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा टेंडेंसी रहती है कि मेडिसिन स्किप होंगी, और वो स्किप होंगी तो घर में एक्युमुलेट होंगी। तो ये हमारे कुछ हो गए हाउस होल्ड बेसिकली जो अगर मैं बात करूं, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से घर में दवाइयां एक्युमुलेट होती हैं, जैसे कि मेडिसिन की शॉर्टेज हो जाना। अभी मैं और कहीं ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं कोरोना टाइम पीरियड में ही जाता हूं। कोरोना में लोगों ने क्या देखा कि मेडिसिन बहुत सारी बेसिकली अगर मैं सैनिटाइजर की बात करता हूं, मास्क की बात करता हूं, मेडिसिन की बात ही नहीं करता, तो मास्क और सैनिटाइजर के पीछे कितनी शॉर्टेज हुई, कितना ब्लैक मार्केटिंग हुई, ये सब लोग जानते हैं इस चीज को। तो मेडिसिन की शॉर्टेज का हमारे माइंड के अंदर एक मन बैठ जाता है क्योंकि हमारा लॉन्ग ट्रीटमेंट चलना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक महीने का ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, एक हट्टी मेडिसिन खरीद ली दो तीन महीने की, कोई बात नहीं, अब होता क्या है कि हम एक महीने के बाद ठीक भी हो जाते हैं, डॉक्टर कंटिन्यू नहीं करता दवाई, तो ऐसे केसेस में भी हमारे घर की इकट्ठी हो गई दवाई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारी जो स्टोरेज कंडीशन है मेडिसिन की, अगर वो इम्प्रॉपर होगी तो वो मेडिसिन खराब हो जाएगी, फिर क्या होगा, कचरे के डब्बे में फिर से जाने वाली है। इसके अलावा कई बार मिसप्लेस हो जाती है मेडिसिन, हम मार्केट से मेडिकल स्टोर पे गए, वहां से दवाई लेके आए, दवाई लेके आने के बाद हो सकता है गाड़ी में ही भूल जाए, हो सकता है घर में कोई ऐसी जगह मेडिसिन रख दें जहां पे हमें बिल्कुल भी ध्यान ना रहे, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो कि रीजन बनते हैं कि घर के अंदर अनयूज मेडिसिन इकट्ठी हो रही है और वो अनयूज मेडिसिन एक्सपायर मेडिसिन की तरफ बढ़ती जा रही है। अब अगर मैं बात करता हूं, कई बार ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है, उस ट्रीटमेंट चेंज होने की वजह से भी हमारे घर पे अनयूज मेडिसिन इकट्ठी हो जाती है। मैं आप ही से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपके घर में जब भी आपको जैसे दवाई खरीदनी होती है तो आप दवाई खरीदने के लिए कहां जाते हैं, पहले बताइए। मेडिकल स्टोर, ऑफ कोर्स मेडिकल स्टोर जाते हैं सब लोग, जितने भी आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूं कि आपको जब भी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है वो मेडिसिन खरीदने के लिए आप कहां जाते हैं, मेडिकल स्टोर ही शायद आपके पास ऑप्शन होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन आप इस गंभीरता को सोचिए कि मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खरीदी तो जा रही है yes. लेकिन ये जो अनयूज मेडिसिन है और जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है, इसके लिए क्या है, क्या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज हैं, क्या कोई रूल रेगुलेशन है कि अगर अनयूज मेडिसिन बच जाए। हाँ, ऐसा मैंने अमूमन देखा है, हमने क्योंकि सर्वे भी करवाया था तो मेडिकल स्टोर वालों से भी बात हुई, वो ये कहते हैं कि जो सी मेडिसिन हमारे यहां से सेल हुई है उसको तो हम वापिस ले लेते हैं, लेकिन सपोज करो आपका ट्रीटमेंट एम्स में चल रहा है और एम्स में चलने के बाद आप पलवल में आ गए या फरीदाबाद में आ गए, अब आप एम्स तो जा नहीं सकते वापस मेडिसिन करने के लिए, आप नियर बाय मेडिकल स्टोर पे जब आप जाते हैं मेडिसिन वापस करने के लिए तुरंत मना कर देता है, क्या कहता है ये मेडिसिन मेरे यहां की नहीं है, और जब मेरे यहां की नहीं है तो मैं सुनूंगा भी, सिंपल सा फैक्टर है। तो अब यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जो बेसिकली गवर्नमेंट देख रही है, हेल्थ सेक्टर जो देख रहा है, या फिर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे DCGI हैं। तो मैं सिर्फ एक यही पॉइंट एक रेज करना चाहता हूं कि अगर मेडिसिन खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर है तो अनयूज मेडिसिन को वापस करने के लिए मेडिकल स्टोर पे इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं है, या फिर जो एक्सपायर मेडिसिन हो जाती है उसके लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने या फिर मेडिकल स्टोर ने कोई ऐसा कलेक्शन सेंटर क्यों नहीं बना रखा जहां पर मेडिसिन इकट्ठी हो। जी सर, सर एक सवाल था कि ये तो समझ में आ गया कि किस तरीके से घर में स्टोर हो जाती है दवाइयां, लेकिन ये समझ नहीं आया कि ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल कैसे है।
स्टोर हो गया तो उसके बाद मतलब डिसएडवांटेज क्या है इस चीज का? डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, और ये जो क्वेश्चन है ये सोसाइटी के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है। वो कैसे बेनिफिशियल है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो आपके घर में आप मेडिसिन इकट्ठी हो गई, मैंने आपको सारे रीजंस बताए जिसकी वजह से घर के अंदर मेडिसिन इकट्ठी होती है। अब हम बात करेंगे कि मेडिसिन का होता क्या है। देखिए अनयूज मेडिसिन है, पहले तो मैं आपको बता सकता हूँ ये आप कहाँ अच्छे तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। आपके घर में जो भी अनयूज मेडिसिन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट टू डू विद द अनयूज एंड एक्सपायर मेडिसिन। अनयूज मेडिसिन को आपके नियर बाय एरिया में कहीं पे भी अगर आपको हेल्थ कैंप दिखाई दे तो उस हेल्थ कैंप में जाके वो अपनी दवाएं डोनेट करके आ जाएं, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसीज नहीं है कि इन मेडिसिंस का क्या किया जाए, इन मेडिसिंस को आपको यूज कैसे करना है, इन मेडिसिंस को आपको एक्सपायर मेडिसिंस को कैसे आपको अच्छे तरीके से वो करना है। जो WHO जो FDA की कुछ गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइंस कहती हैं कि आपको क्या करना है, बेसिकली एक पॉलीबैग लेना है, उसके अंदर बेसिकली आपको काऊ लीटर डालना है, और उसके बाद उसके अंदर वो मेडिसिन उसे क्रश कर लें, क्रश करने के बाद उसे सील पैक कर दें और उसको फिर कहीं आप गड्ढे खोद के उसके अंदर दबा दें। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि उसको आपको गड्ढा खोद के दबाना है। हम एक तरफ बात करते हैं प्लास्टिक मुक्त भारत, और हम या तो ये कर रहे हैं कि ये जो मेडिसिन है ये तो इमीडिएटली, शायद अगर हम डायरेक्ट डालेंगे ये मेडिसिन तो शायद इमीडिएटली खराब करने वाली है, है? प्लास्टिक लगभग 100 साल लेता है डिग्रेड होने में, तो इसका मतलब ये है कि अभी हम आज की तो सोच रहे हैं लेकिन अपने फ्यूचर के नहीं सोच रहे। या कुछ मेडिसिन फ्लश करने की भी इंस्ट्रक्शन आई हुई है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कुछ मेडिसिन फ्लश भी कर सकते हैं, तो जो नुकसान नहीं पहुंचा सकती तो ऐसी इंफॉर्मेशन वहां पे आनी चाहिए कि किन किन मेडिसिन को फ्लश किया जा सकता है और किन किन मेडिसिन को फ्लश नहीं किया जा सकता। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूं, आज जितने भी हमारे लोग हैं जो सुन पा रहे हैं, आप लोगों को पता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या चीज है? आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस, अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में आप जाएं, सपोज करो आपको ट्रीटमेंट चल रहा है किसी छोटे हॉस्पिटल के अंदर, आप ही के घर का बच्चा है, उसने टैबलेट खा ली और ऐसा आराम नहीं मिल रहा। क्यों नहीं आराम मिल रहा? एंटीबायोटिक जो थी लेटेस्ट जनरेशन की नहीं थी, और जब लेटेस्ट जनरेशन की एंटीबायोटिक किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएगा, बड़ा हॉस्पिटल मतलब सारी चीज बड़ी, उसका नाम भी बड़ा और उसकी मेडिसिन भी बड़ी और उसकी मेडिसिन की जनरेशन भी बड़ी, और वहां पे वो जो एंटीबायोटिक लेगा, लेने के बाद अब होगा क्या, वहां से तो वो ठीक हो जाएगा लेकिन फ्यूचर में कभी उसको दवाई लेनी अगर पड़ गई तो अपने आसपास के एरिया में ही जाएगा। अब बॉडी के अंदर वो एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी जिसकी वजह से वो जो एंटीबायोटिक वो जो स्मॉल जनरेशन की लेने वाला है, वो बेसिकली हमने तो एडवांस जनरेशन की खा ली, अब वो स्मॉल जनरेशन की जो एंटीबायोटिक होंगी, सोचिए हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं जब ये डिग्रेड होके या डीकम्पोज हो जाएंगी। देखिए दो कारण है, या तो ये डीकम्पोज होके कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट बनाएंगे, और ये जरूरी नहीं है कि हार्मफुल बनाए, कुछ ऐसा भी हो सकते हैं जो न्यूट्रल भी रह सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली इसके मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट्स भी होते हैं, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स भी होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे टैबलेट्स डिग्रेड होने के बाद एक्सपायर होने के बाद नुकसान पहुंचाएं, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि ये नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब ये नुकसान कैसे पहुंचाएंगी? हमने डस्टबिन में डाल दिया, डस्टबिन से कचरा कलेक्ट करने वाला आया, अलग से आपने कोई जो बेसिकली डस्टबिन होते हैं अलग अलग कलर के, जैसे नर्सिंग होम्स में आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके घर में जो वैन आती है उसके पास ऐसे कोई अलग नहीं होते। मास्क के लिए जरूर किया था गवर्नमेंट ने, अलग से एक बॉक्स आता था, नीला बॉक्स आता था, उसके अंदर सारे के सारे मास्क डाले जाते थे, लेकिन आम पब्लिक शायद सरकार कैंपेन चला चला के कर गई, गीला कचरा अलग डालिए, सूखा कचरा अलग डालिए, कितने लोगों ने घर के अंदर दो डस्टबिन रखे, शायद बहुत कम फिगर होगी। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे लोग फॉलो नहीं करते लेकिन बहुत कम होते हैं। तो सेम वे मैं यहीं पे आ रहा हूं कि वो जो एक्सपायर मेडिसिन जब जाएंगी तो कुछ लोग नालियों में तो फेंकेंगे, सिंक है, फ्लश करने की बात कर रहा हूं, तो वो जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है, सबसे पहले मैं मछलियों की बात करता हूं, एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी क्या? बिल्कुल सर। सेकंड, एक्वेटिक लाइफ या तो वो रेसिस्ट कर जाएगी, जैसे सिंपल मच्छर की तरह है, ऑल आउट आप जलाएंगे तो इनिशियल जब आप नई कॉइल खरीद के आते हैं या नया रिफिल खरीद के आते हैं तो मच्छर मर जाते हैं, लेकिन उसकी आने वाली जो जनरेशन होती है वो रेसिस्टेंस डेवलप कर लेती है, मतलब उसके अंदर ऑलरेडी वो है। अब उस मछली को या फिर वो जो जितनी भी चीजें हैं उसको तो अल्टीमेटली अगर नॉन वेजिटेरियन होगा तो वो खाएगा ही खाएगा, और जब वो खाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर फिर से उसके ट्रेसेस चले गए, तो ऑलरेडी आपको ना भी पता होते हुए भी तो भी आपकी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस डेवलप हो जाए। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं जो हमारा जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं फार्माकोग्नोसी के बारे में जानते हैं, फार्माकोग्नोसी वाले स्टूडेंट जानते होंगे कि हमारे पास एक ऐसा सोर्स ऑफ बेसिकली ड्रग है जिसे मेराइन सोर्स ऑफ ड्रग कहते हैं, जो कि हमें पानी से मिलता है, पानी के अंदर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो कि हमारे लिए बड़ी यूजफुल होती हैं, वहां पे वो ड्रग जा रही है। कैसी ड्रग? या तो अनयूज्ड है या एक्सपायर्ड है।
आप सिंपल सी कैलकुलेशन देखिए, 10 मिलीग्राम की गोली जब बिल्कुल ठीक होती है तो हमारा ब्लड प्रेशर सही कर देती है, जब वो एक्सपायर होगी या फिर वो अनयूज्ड होगी तो क्या आपको नहीं लगता कि वो हमारे एनिमल्स को नुकसान पहुंचाने वाली है, या फिर हमारी एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचाने वाली है, या फिर हमारा जो मैराइन सोर्स ऑफ ड्रग है उसको नुकसान पहुंचाने वाली है? हो सकता है कि कुछ पार्ट वो उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं एक्टिव मेटाबोलाइट्स ना हो, इनएक्टिव हो सकता है नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन इसकी भी प्रोबेबिलिटी 50-50% की ही है कि वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। अभी अल्टीमेटली अगर हम देखें तो नदियां जो बेसिकली हमारी नालियां हैं, नालियां नहरें हैं, नहरें फिर अल्टीमेटली हमारे खेतों में आ रही हैं, जो पानी हम सारा का सारा लगाते हैं, अभी हम सारे के सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत बढ़िया चीज है, सब लोग जानते हैं कि कितना बढ़िया तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम किया जाता है। वाटर की टेस्टिंग करते हैं क्या आप लोग? हम वाटर का पीएच जरूर चेक करते हैं, लेकिन उसके अंदर कौन कौन से मेटाबोलाइट्स, कौन कौन से ट्रेसेस, उसके बारे में क्या है शायद सोच भी नहीं सकते। लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप लोग, आप उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट किया, सिंक में डाल दिया एसिड, उसके बाद वो पानी कहां जा रहा है उसके बारे में सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत और छुपे हुए पहलू हैं जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अभी किया क्या जाए इनके साथ, ये एक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि हमारा एनवायरमेंट है। हम बात करते हैं किसकी, स्वच्छ भारत अभियान की, सारी तरफ स्वच्छ भारत अभियान की बात हो रही है, सब लोग झाड़ू लगाने पे लग रहे हैं, सरफेस को तो साफ करने में लग रहे हैं, लेकिन वो जो अंदर अर्थ क्रस्ट में जो सारी के सारी कंटामिनेशन हो रहा है उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। और जब तक हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी आएगी। अच्छा सर, इसको मतलब जो भी आप चीजें बताई, वैसे तो अभी तक इतना कभी किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि आगे जाके मराइन सोर्सेज में दवाइयां मिलती हैं, आगे हमारी जो खेती होती है उसमें भी जो फसल होती है उसको अफेक्ट करती होगी कहीं ना कहीं उसके मेटाबॉलिज्म। हाँ, तो मतलब एक इंडिविजुअल नागरिक की ऐसी क्या क्या मतलब क्या रोल बनता है कि वो इन सब चीजों पे ध्यान दे और ग्राउंड लेवल पे वो सारी चीजों को कुछ हद तक ठीक किया जा सके? बिल्कुल अश्विनी जी, आपने एक बहुत ही अच्छी चीज बोली कि एक इंडिविजुअल पर्सन का क्या रोल है, क्योंकि मैं रोल की बात जब करता हूं तो रोल अपने आप में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट रोल क्या है, क्या आप सारे लोग मिलकर, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हो, मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके पास कभी भी कोई मेडिसिन बच जाती है तो उस मेडिसिन को आप मेडिकल स्टोर पे जाएं, मेडिकल स्टोर पे वो अगर आपको उसके पैसे दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट वहां पर वो मेडिसिन डोनेट जरूर करके आए, क्योंकि एक बंदा जाएगा उसके बाद कंटिन्यू अगर ये अप्रोच चालू रहेगी, जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, क्योंकि अभी आपके लिए वो मेडिसिन सिर्फ वेस्ट है, आप उसे डस्टबिन में फेंकने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने एक ऐसी मुहिम छेड़ दी जिससे कि सारे के सारे मेडिकल स्टोर वाले जितने भी लोग होंगे उनको परेशान कर दीजिए, आप वहां पे जाके उनको डोनेशन दे के आइए और उनसे सिर्फ एक बार बोल के आइएगा कि जो जरूरतमंद हो उसको ये मेडिसिन फ्री में जरूर दे देना, क्योंकि इसको आप अलग से कलेक्शन करिए। क्योंकि मैं देखिए सरकार से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, अगर सरकार हमें सुन पा रही हो, कि अल्टीमेटली देखिए हमें क्या चीज चाहिए, हमें अपने सोसाइटी को ऐसा अवेयर करना है जिससे कि आने वाले नुकसान के बारे में हम सोच सकें। तो मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है कि सरकार अगर मेडिकल स्टोर पे बॉक्सेस लगवाना स्टार्ट कर दे, मैं खाली मेडिकल स्टोर की बात नहीं कर रहा, कोई सी कम्युनिटी सेंटर में, हर एक एरिया के आसपास कोई कम्युनिटी सेंटर होता है, वो कम्युनिटी सेंटर किसी गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे होते हैं उनकी देखरेख में ही चलाया जाता है, तो वहां पे एक ऐसे बॉक्स लगा दे अनयूज्ड और एक्सपायर्ड, पब्लिक जाए संडे के संडे जाए, एक्सपायर मेडिसिन और अनयूज्ड मेडिसिन अलग से उसके अंदर डाल के आ जाए। उससे क्या होगा, नेचर को तो नुकसान नहीं पहुंच रहा, अब वो जो एक्सपायर मेडिसिन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, जहां पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट कैसे करना पड़ेगा, हम जनरली इसके लिए इंसिनरेटर यूज करते हैं। इंसिनरेटर होता है बेसिकली, जितने भी हमारे स्टूडेंट सुन पा रहे हो मैं उनको बताना चाहता हूँ, इंसिनरेटर एक डिवाइस है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भस्मक यंत्र। भस्मक मतलब भस्म बना देना, कि जब भी आप उसके अंदर कोई भी मेडिसिन डालेंगे तो आजकल जो इंसिनरेटर आ रहे हैं वो भी बड़ी अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं। पहले जमाने में क्या होता था, उसकी फ्यूम्स जो उड़ती थी बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को पोल्यूट करती थी, लेकिन आजकल इतने अच्छे इंसिनरेटर आ गए हैं कि उसकी वो जो फ्यूम्स उड़ती ही नहीं है और वो सारा का सारा अंदर ही पूरा कंट्रोल कर लेती है, और बाद में वो जो उसकी भस्म बचती है उसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इंसिनरेटर की लेकिन कॉस्टिंग बहुत पड़ती है, इंसिनरेटर की कॉस्टिंग है लगभग 10 से 12 हजार रुपए पर टन की कॉस्टिंग है। और अब आप खुद देखिए, मैं सिर्फ बायोमेडिकल वेस्ट और अपनी फार्मास्यूटिकल वेस्ट इसी की बात करता हूं,
टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टेड सर्वे है 70 टन वायो जो बायोमेडिकल वेस्ट और हमारी जो फार्मास्यूटिकल वेस्ट है इकट्ठी होती है डेली और प्रोसेस हो पा रही है 12 से 15 टन। अब वो जो 55 जो बची है वो कहां जा रही है? वो ऐसे ही इकट्ठी हो रही है दिल्ली में आजादपुर मंडी, आपने देखी होगी वहां पर वो जो पहाड़ जो खड़ा हो गया है उसमें कहीं ना कहीं ये वाली वेस्ट भी है। इस वेस्ट में आपने देखा होगा गाय हो गई, भैंस हो गई, ये जितने भी एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं जरूर जाते हैं, पानी भी पीते हैं ऐसे उसका। तो वो हम कहते हैं कि आजकल दूध में कोई क्वालिटी नहीं आ रही, हम जो पालक खा रहे हैं उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं आ रही, हरी सब्जियां वो हरी नहीं रहेगी, बस शक्ल की हरी रह गई है, उसके अंदर जो वाइटामिन हैं जो मिनरल जो सारी चीजें हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रहे। तो सबसे पहला सरकार से भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको सुन रहे हैं, अगर आपको लगे कि वाकई में इसको ऐसा करना चाहिए तो आपकी तरफ से सिर्फ मैं यही आपको एक सपोर्ट चाहूंगा कि आप एक ऐसे एरिया में एक बॉक्स लगवा दें जिसमें सारी की सारी मेडिसिन इकट्ठी हो सके और बाद में आपका ही कोई ऑफिशियल पर्सन उस मेडिसिन को इकट्ठी करके लेके जाए और इंसिनरेशन की प्रोसेस से या फिर और जो उसको सुटेबल प्रोसेस है उससे उसको सही ठिकाने लगवा दे। नेक्स्ट हेल्थ कैंप जो मैंने अभी बात की थी, जो आसपास के एरिया है वहां पे हेल्थ कैंप लगाए जा सकते हैं, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी है या बहुत सारी ऐसी रोटरी क्लब हैं, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जो कि हेल्प करती हैं लोगों के लिए, हेल्थ कैंप भी टाइम टू टाइम लगवाते रहते हैं। तो वो हेल्थ कैंप जब लगेगा तो हेल्थ कैंप में वो मेडिसिन, क्योंकि वो एक्सपर्टाइज होते हैं, वो जानते हैं कौन सी मेडिसिन किस चीज के लिए होती है, तो वहां पर वो मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। थर्ड, ये तो हो गई अनयूज मेडिसिन के बारे में, एक्सपायर मेडिसिन के बारे में हमने बोला, बॉक्स के बारे में। अब तीसरी जो चीज है, अभी इस एक्सपायर मेडिसिन का क्या किया जाए? एक्सपायर मेडिसिन के लिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर आप जिस भी एरिया में रहते हैं आप गेट टुगेदर जरूर करते होंगे, लगभग 20 लोग 25 लोग या अपनी सोसाइटी में या आप जिस नियर बाय एरिया में रह रहे हैं, तो उस गेट टुगेदर में आप लोग एक कंसेप्ट, आप लोग सब जानते होंगे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है इन हमारी फार्मास्यूटिकल जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं या बायोमेडिकल जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि ऐसा कंपटीशन कराइए बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और फार्मास्यूटिकल वेस्ट का, जिसके अंदर बच्चे नए नए क्रिएटिव आइडियाज के साथ, देखिए सब चीज अवेलेबल है गूगल पे, आपको कोई आइडिया चाहिए आपको गूगल देगा, आपको कोई आइडिया चाहिए आपको यूट्यूब देगा, तो इन सब के माध्यम से आप बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन घर में डेकोरेटिव पर्पज के लिए भी बना सकते हैं। तो एक्सपायर मेडिसिन हमारे घर में देखिए इतनी इकट्ठी तो नहीं होने वाली, लेकिन ये जब सारे में अगर ऑल ओवर पॉपुलेशन की बात करता हूं, 135 करोड़ की लगभग आबादी है, हम दो हमारे दो कंसेप्ट की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास टोटल कुल मिला के लगभग 35 के करीब 35 करोड़ के करीब फैमिलीज हैं। 35 करोड़ फैमिलीज मतलब अगर 10 रुपए की भी दवाई हमारे घर पे एक्सपायर अगर हो जाती है तो 350 करोड़ की मेडिसिन हम शायद एक साल के अंदर, मैं एक साल की बात कर रहा हूं कि एक साल में 10 रुपए की अगर मेडिसिन आपकी एक्सपायर होती है जो कि आपके किसी काम की नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 350 करोड़ की मेडिसिन एक्सपायर हो रही है, अनयूज की मैं बात ही नहीं करता। बिल्कुल सर, तो वो तो सारा का सारा हमें ऐसे के ऐसे मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते इस चीज के बारे में। जी सर, जैसे आपने बात की कि एक इंडिविजुअल को इसके लिए काम करना चाहिए, तो मेरे पास एक जीता जागता एक ऐसा एग्जांपल है जिनका नाम है मेडिसिन बाबा। यस, तो मेडिसिन बाबा जो है और उनके साथ को फाउंडर उनके सचिन गांधी जी हैं, तो वो शुरू से ही इस काम में लगे हुए हैं जो कि अनयूज्ड मेडिसिंस को इकट्ठा करके जहां पे जरूरतमंद लोगों को जो उसका अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है जितना भी पॉसिबल है वो करते हैं। और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे साथ मौजूद डॉक्टर तरुण विमानी जी भी उसी ट्रस्टी के लिए मतलब उस ट्रस्ट के लिए बहुत सारा काम कर चुके हैं, बहुत सारा काम करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मतलब लोगों को एक उनका एग्जाम्पल बता दें कि किस तरीके से वो सारे काम को प्रोसेस करते हैं, कैसे वो कर सकते हैं तो हम लोग भी ये काम आराम से कर सकते हैं। देखिए जितने भी हमारी ऑडियंस है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे सुन पा रहे हैं या जो बाद में सुनेंगे क्योंकि ये रिकॉर्डिंग फेसबुक पे आपको लाइव मिल जाएगी, आप बाद में भी इसको सुन सकते हैं, मेरे सिर्फ आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज की गुजारिश है, वो गुजारिश ये है कि आप सब लोग किसी भी चीज के लिए घबराएं नहीं। अगर आपको इसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है तो आप कोई ऐसा गलत स्टेप ना उठाएं। अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो ये हमारी जैसे फेसबुक पे अपलोड हो जाएगी वीडियो, तो उसके बाद आप हमें लिखें कि इस वाले जगह पे हमें सेशन की रिक्वायरमेंट है, तो हम उस सेशन को वहां पे करने के लिए पहुंचेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एज अ फार्मासिस्ट हमारा सोसाइटी के लिए कुछ रोल बनता है, वो रोल क्या है उसको हमें डिफाइन करना है, और डिफाइन खाली फार्मासिस्ट ही ना करे, एक नॉर्मल इंडिविजुअल जब तक नहीं सोचेगा देश के बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, तब तक शायद
हम हेल्पलेस रहेंगे, और अगर हम हेल्पलेस रहेंगे तो हमारा जो आने वाला फ्यूचर जनरेशन है उसके बारे में हम कैसे अच्छा सोच सकते हैं। जी सर, तो मतलब सर अब लोगों को कुछ बताना चाहेंगे कि ड्रग डिस्पोजल के बारे में, कि ड्रग डिस्पोजल एक्चुअली होता क्या है और कैसे हमारे जो अनयूज्ड और एक्सपायर्ड मेडिसिन है, क्योंकि जो हमारी अनयूज्ड मेडिसिन है उनको तो हम कहीं ना कहीं दोबारा से यूटिलाइजेशन में ला सकते हैं, लेकिन जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है उनका कैसे डिस्पोजल किया जा सकता है। देखिए, कुछ गाइडलाइंस FDA और WHO की गिवन है, वो गाइडलाइंस आप उसकी वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी मेरे को मतलब अलग, मैं मेरा थोड़ा सा स्टैंड उसमें अलग चला जाता है कि अगर उसे प्लास्टिक के बैग में अगर उसे करके उसे किसी गड्ढे के अंदर दबाना है तो वो प्लास्टिक के बारे में अभी हम नहीं सोच रहे हैं। सेकेंड, अगर मैं बात करता हूँ सेग्रीगेशन, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन है जो यकीनन हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो हमें गारंटेड नुकसान पहुंचाती है। एटलीस्ट एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से या फिर फार्मास्यूटिकल CSR एक्टिविटीज हैं, हर किसी को मतलब अपने टोटल उसका 2% करना होता है, तो अगर ये CSR एक्टिविटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक अपना एफर्ट तो करे, एटलीस्ट स्टार्टिंग तो करे। हमने, मैं देखिए MBA यूनिवर्सिटी में मैं यहां पे पढ़ाता हूं, आप सब लोग जानते हैं कि हमने कितने हेल्थ कैंप्स लगाए आप लोगों की सपोर्ट से, क्योंकि हमने घर घर जाकर, हमारे स्टूडेंट्स ने घर घर जाकर मेडिसिन इकट्ठी की है, अनयूज्ड मेडिसिन, और उस अनयूज्ड मेडिसिन से हमें नियर बाय एरियाज में जो स्लम एरियाज हैं या जहां पे नीड है उसकी, वहां पे जाके अच्छे अच्छे बेसिकली वहां पे हमने मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की है। तो जब हम लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं, जब आप लोगों के पास सपोर्ट है, हम सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके लोगों के लिए काम करेंगे। तो मेरी सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी से यही गुजारिश है कि हम जब एक स्मॉल स्केल पे हम इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं तो आप लोग एक बार स्टार्ट तो करिए, एक बार अनयूज मेडिसिन और एक्सपायर मेडिसिन के लिए थोड़ा सा तो अपना इनिशिएटिव दिखाइए, उसके बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करने लगे। और जब गवर्नमेंट की तरफ से, मैं यकीनन मानता हूं कि 70 टन जब बायोमेडिकल वेस्ट और फार्मास्यूटिकल वेस्ट खाली एक ही स्टेट से इकट्ठा हो रहा है, दिल्ली से, हम और स्टेट की तो बात ही नहीं कर रहे अभी। मतलब अगर आइडियली खर्चा अगर लगाए, एक टन का खर्चा 10 से 11 हजार रुपए है, 70 टन को मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 हजार से, तो इतना वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए पैसा चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है कोई नहीं करने वाला, तो इसके लिए सपोर्ट चाहिए, फंडिंग चाहिए, वो जब तक फंडिंग नहीं मिलेगी तब तक काम अच्छा नहीं होने वाला। तो आज के लिए बस इतना ही, बस मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो ये टॉपिक है हमने सुन लिया, अच्छा लगा, और बस सुनने के बाद बड़ा अच्छा फील हुआ, आगे से मैं भी ये करूंगा, लेकिन फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन हमें ना जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, हमें उनको भी अच्छा टाइम देखने को देना है कि वो भी अच्छा टाइम देखे। तो इसलिए मैं आप सभी से यही बस बोलना चाहता हूं कि ये जाके भूले ना, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आप कोई आप में से एक शुरुआत करेगा तो हजारों लोग शुरू करेंगे, तो अभी यहां से जो इनिशिएटिव है वो चलता रहेगा। आप लोगों को कभी भी यहां से सपोर्ट की जरूरत हो, आपके पास अभी कमेंट बॉक्स है, आप कभी भी यहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी हेल्थ कैंप की जरूरत हो, मेडिसिन की जरूरत हो, या इस टाइप के कुछ भी नए नए सेशंस की जरूरत हो, जो ताकि किसी गांव में, किसी स्लम एरियाज में लोगों को इसके बारे में भी जागरूक कराना हो, तो हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, और आप सभी को नेशनल फार्मासिस्ट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू।